हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो के एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं इसरो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए। यानी कि ये वीडियो जो है ITI स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। चाहे आप लोगों की ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी ट्रेड से यदि आप लोगों ने इसरो के किसी भी सेंटर में फॉर्म को फिल किया है तो ये वीडियो स्टेप, बिकॉज यहां पे हर एक पहलू पर हम लोग विचार करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा इसरो SDSC सार श्रीहरी कोटा की तरफ से अभी वैकेंसी आई हुई है, जिसका डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिया होगा और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने जरूर फॉर्म को फिल किया होगा। अब यहां पर थोड़ा सा गाइस समझिएगा, यदि हम लोग इसरो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नीशियन भी ITI स्टूडेंट्स की। अब चाहे आप लोगों ने किसी भी सेंटर में फॉर्म को फिल किया हो, चाहे आप लोगों ने BSSC में फॉर्म फिल किया हो, ILPSC में फॉर्म फिल किया हो या फिर SDSC सार श्रीहरिकोटा जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसमें फॉर्म को फिल किया हो, URSC में फॉर्म को फिल किया हो, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर इसरो के ऑल सेंटर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। अब यहां पर गाइस थोड़ा सा समझिएगा, यदि हम लोग एग्जाम पैटर्न को देखें तो टोटल क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो अलग अलग सेंटर होते हैं वहां पे अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जो मैक्सिमम सेंटर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हैं 80, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें या फिर SDSC सार की बात करें श्रीहरिकोटा की। हालांकि SDSC सार ने 2017 में जो एग्जाम पेपर लिया था उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए थे वह 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आप लोगों का रिलीज हुआ है जहां पर आप लोग फॉर्म फिल करने वाले हो या फिर आप लोगों ने दिया है वहां पे उन्होंने क्लियर किया है कि हम लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे वो 80 प्रश्न देंगे, इनको हल करने के लिए हम आपको 90 मिनट का समय जो है मिल रहा होगा। तो यहां पे क्या रेयर केसेस में वो लोग जाते हैं कि वो जो है 100 क्वेश्चन की ओर जाएं, जैसे कि SEC की बात करें उसने 90 क्वेश्चन पूछे थे, वो लोग 90 पूछते हैं। तो इस प्रकार जो सेंटर टू सेंटर है अलग अलग, वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। अभी जो वैकेंसी आई हुई है SDSC सार की यदि हम लोग उसकी बात करें तो आप लोगों से वहां पे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे और जिसके लिए समय की यदि हम लोग बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 90 मिनट का समय आप लोगों को वहां पे मिल रहा होगा उन प्रश्न को हल करने के लिए। अब यहां पे गाइस थोड़ा सा फोकस करिएगा, जो 90 मिनट है 80 क्वेश्चन है टाइम के अकॉर्डिंग आराम से हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है थोड़ा सा पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी रहने वाला है, जनरल साइंस का भी रहने वाला है, टेक्निकल काफी ज्यादा रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उनको हल करने में आप लोगों का समय नहीं लगने वाला है, लेकिन जो टाइम जाता है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेफिनेटली थोड़ा सा समय आप लोगों को देना पड़ता है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि जो 80 प्रश्न हो, चाहे 60 प्रश्न हो, 70 प्रश्न हो, 100 प्रश्न हो, उसमें थोड़ा सा हम लोग देखें कि किस किस पार्ट से क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कोई भी सेंटर का आप लोग पेपर दे रहे हैं उसमें कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें से 75-80% आप लोगों का जो रहेगा वह ट्रेड थ्योरी रहेगा। ट्रेड थ्योरी से मेरा मतलब क्या है, यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड से अप्लाई किया है तो फिटर ट्रेड के 75-80 प्रश्न होंगे। यदि 100 का पेपर है, यदि 80 क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं तो आप लोग मान सकते हो 55-60 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी के पूछे जा रहे होंगे। यदि उसके अलावा गाइस हम लोग बात करें यहां पर तो 10% क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा जो 10% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से देता है इसरो। तो यदि आप लोग ओनली उन टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हो तो मैं बोल सकता हूं कि ये 10 प्रश्न में से आप आराम से 7-8 प्रश्न करेक्ट करके आ रहे होंगे। आप लोगों को बहुत ज्यादा टॉपिक क्लियर करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, यदि आप लोग इसरो के सेंटर को, इसरो के एग्जाम पेपर को थोड़ा सा समझते हो उस सिचुएशन में। अब गाइस जो 10% क्वेश्चन होंगे वह जनरल साइंस के होंगे और जनरल साइंस में क्वेश्चन कहां से लेता है इसरो, फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन लेता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन लेता है, तो वो आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब गाइस उसके अलावा थोड़ा सा हम जाएं कि सबसे पहले हम लोगों को जनरल साइंस के ऊपर फोकस करना है बिकॉज बहुत कम समय लगेगा। यदि आप लोग इन कुछ टॉपिक को क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली वहां पर जो 10% क्वेश्चन आने हैं उनको आप लोग आसानी से करेक्ट कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहां से क्लियर करना है, सर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आप लोगों
को कवर करना है, इससे आप लोगों का काम चल जाएगा बहुत ही आसानी से, बिकॉज आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना वो वहीं से जो है ज्यादातर पिक किए जाते हैं। अभी तक यदि आप लोग इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे वहां पे आप लोग ये चीज पाओगे। और मैं एक स्पेशल आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल टेक्नो यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीटली प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 20 वीडियो के आसपास है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पर मैंने इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, चाहे वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हो, एसएससी के हो, एसडीएससी सार श्रीहरिकोटा के हो, आईपीआरसी के हो, किसी भी सेंटर के, यानी कि सभी सेंटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस किया है, तो वो आप लोगों के लिए मस्ट है। गाइस यदि आप लोग, मैं बोल सकता हूं वो 20 वीडियो जो मैंने पब्लिश करी है केवल उन वीडियोस को देख लेते हो ना तो आप लोगों का विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको वो चीज एक्चुअल में समझ आ जाएगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर इसरो देता है। और वहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसरो के किसी भी सेंटर का आप लोग पेपर दे रहे हो और पिछले प्रीवियस पेपर से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि सर 40-50% क्वेश्चन तो वो लोग रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। यदि आप लोग सारे सेंटर के पुराने पेपर को भी हल करके जाते हो तो वहां पर पाओगे सर 40-50, कभी कभी 60-70% सेम आप लोगों को मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं वो, या फिर टॉपिक वही रहेगा, रिलेवेंट टॉपिक, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंजेस रहता है। तो जब भी मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराता हूँ, आप लोगों को क्लियर है, यदि कोई क्वेश्चन आया है उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं क्लियर करा देता हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख लोगे तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे साइंस में वो कौन से टॉपिक होने वाले हैं जिनको आप लोगों को फोकस करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस में आप लोगों की मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन लेता है, या आपके टेक्निकल में भी आ जाता है, साइंस में भी आ जाता है, वेट एंड डेंसिटी, फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, फ्रैक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, हीट एंड टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यदि आप लोग केवल और केवल इन टॉपिक को क्लियर कर लेते हो तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जो 10% क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं ना उनको आप लोग आराम से हल कर पा रहे होगे, उनका राइट जवाब आप लोग दे पा रहे होगे। बिकॉज गाइस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखिएगा इन टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है, यानी कि सबसे पहले कुछ भी आप लोग कर रहे हो ना तो ये टॉपिक सबसे पहले क्लियर करो। यदि आप लोग इसरो की प्रिपरेशन रियल में कर रहे हो तो सारी चीजें आप लोगों के सामने खोल के रख रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करो, यदि अभी भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो ये क्या बात है। अब देखो यदि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में यदि हम बोले कि सर मान के चलते हैं वो 10 प्रश्न मैथमेटिक्स के पूछता है तो 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न केवल और केवल एक ही टॉपिक से पूछता है और वो है हमारा मेंसुरेशन। इसीलिए मैंने टॉप पर प्रायोरिटी दी है कि यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इसरो की तो भैया मेंसुरेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप लोगों के जो भी फॉर्मूला है चाहे वह क्षेत्रफल का हो, एरिया का हो, जो भी है वो आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। और यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, भैया एक फिगर दे देगा, ये आकृति है, इसमें ये है, कुछ कटा है, इस भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, या फिर बोल देगा ये वाला जो हिस्सा है इसकी ये 10 विड्थ है, इसकी 30 चौड़ाई है, इसका आप लोगों को हिस्सा निकालना है, तो समझ रहे हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री से वो क्वेश्चन डेफिनेटली डाल देता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें वहाँ से क्वेश्चन लेता है, परसेंटेज से क्वेश्चन ले सकता है, रेशियो एंड प्रिपरेशन से, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो मैंने यहां पे मैथमेटिक्स बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत टॉपिक है, लेकिन उन सभी टॉपिक को यदि समराइज करें इसरो के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये निचोड़ निकल के आता है कि भैया बाकी आप कुछ भी करते रहो लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों को किसको देना है, इन टॉपिक को देना है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप एक काम करिएगा, ये वीडियो देखने के बाद में आप कोई भी इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार उठा के देखिएगा, देन वहां पे आप लोगों का माइंड थोड़ा सा खुलेगा कि मैंने ये वीडियोस बनाया है, यहां पे ये टॉपिक बता रहा हूं तो आखिर उसका रीजन क्या है। चाहे आप किसी भी सेंटर के पेपर को उठाइएगा, वहां पर ये चीजें आप लोगों को सिमिलर मिलेंगी, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इन चीजों को करोगे ही करोगे। क्लियर है ना? तो ये चीज थोड़ा सा फोकस करिएगा। हालांकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और भी टॉपिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन जाते हैं वो ये वाले बन जाते हैं कि भैया सबसे पहले आपको इन टॉपिक को तो क्लियर करना ही करना है, इनको आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, जो भैया 80% 75-80% क्वेश्चन आते हैं वो आपकी ट्रेड थ्योरी से आते हैं, तो ट्रेड थ्योरी के ऑल टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेंगे। चाहे आप लोग फिटर ट्रेड से हो, टर्नर ट्रेड से हो, मशीनिस्ट ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, वो ट्रेड थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, वहां से वह किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गाइस, आप लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इसरो की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बना दिया है और आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी एंड वीडियो से हेल्प मिली होगी। यदि वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड जो मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में, उसको जाके जरूर चेकआउट करिएगा, बिकॉज वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक थम्सअप करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।